हाल और एक बार इस जगह पर हम हम सब लोग कर प्रभु का आराधना कर के और उसी का महिमा ऊपर उठाने के लिए ऐसा मौका दिया है ये तो आनंद का कार्य है अद्भुत का कार्य है इस समय में भी ऐसा मुश्किलों समय में भी प्रभु हमको ऐसा मौका दिया है ये सब हम ध्यान में रख कर हमारा जीवन में जो कुछ अच्छे कार्य किया है परमेश्वर वो ध्यान में रखकर कृतज्ञता से धन्यवाद से हम तो रहना है हर समय तो कितने लोग परमेश्वर का कलीसिया के आने के लिए इच्छा है यहाँ आने के लिए आनंद हो गई और कितने लोग ऐसे समझ रहे कि नहीं नहीं ये तो अच्छा है। अच्छे कार्य और अच्छे कार्य भी कर सकते बाहर कर सकते क्या अच्छा ये तो अच्छा कार्य है ये तो बहुत बेहतरीन का कार्य है ये तो बड़ाई का कार्य है ऐसा व्यक्तियों इस कलिसे के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि ए आने के लिए वो प्रभु को स्वीकार करना प्रभु को स्वीकार करना तो उसी का मृत्यु को वो जांचना है और वो समझना है वो सब करने के लिए इसलिए हम धन्यवाद कर कर प्रभु को हर समय हृदय से हम कृतज्ञता करना है हम आंखें बंद कर कर हम एक प्रार्थना करेंगे प्रभु हमसे बात करने के लिए हाल हे परम पिता समय आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु हमको प्रभु ऐसा समय दिया प्रभु एक अच्छे आराधना से चलकर प्रभु और आपका पवित्र बोझ में हमको भाग लेने के लिए ऐसा मौका दिया इसी के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके नाम को प्रभु ऊंचा रखती हूँ हमारे हृदय को इकट्ठा करती हूँ हमारे दिमाग में चलने हुए सारे विचारों को इकट्ठा कर कर प्रभु इस समय हमारा हृदय खोल कर प्रभु आपका वचन हमसे बात करने के लिए हम समर्पण करती हूँ प्रभु प्रभु आपका वचन हमसे बात करना सिर्फ मनुष्य का बात नहीं है आपका पवित्र वेदागम से प्रभु हमसे बात करने के लिए प्रभु पवित्र बाइबल से हमसे बात करने के लिए प्रभु ये हमारे हृदय में आकर प्रभु एक अच्छे कार्य करने के लिए अगले दिन में प्रभु अगले हफ्ते में या महीने में भी प्रभु हमारा जीवन और एक ऊपर स्थल में रहने के लिए आप आशीर्वाद करना प्रभु प्रभु यीशु मसीह नाम से ये मैं मांगता हूँ प्रभु आमेन हालेलुया हम तो प्रभु की प्रार्थना के बारे में हम तो ध्यान कर रहे हैं कुछ पिछले हफ्ते में भी हम तो देखा कि हम तो पढ़ेंगे मती पुस्तक छ अध्याय नौ से नौ दस और ग्यारह कोई जोर से पढ़ सकते क्या मती पुस्तक छः अध्याय नौ दस और ग्यारह मती पुस्तक छः अध्याय नौ दस और ग्यारह तो इस रीति से प्रार्थना क्या करो हे हमारे पिता पहले तो हम तो उस हफ्ते में हम देखा कि हे हमारे पिता इसी के अंदर तो अनेक नाम है परमेश्वर का नाम जैसे पास्टर ने हमको सिखाए ऐसे हम ध्यान रखते हैं कि एडोन आय हेल शायल लोहिम सारे सब चीज हमारे जीवन के लिए हमारे सारे अनंत जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वो परमेश्वर का नाम उसी का अंदर है और आगे ह तेरा नाम पवित्र माना जाए ये भी हमको सिखाया परमेश्वर ने उसी का दास के द्वारा क्या सिखाया है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए उसी का अर्थ क्या है कि वो पहले बोलने समय ही प्रभु हमको ऐसा योग्य बनाकर रखा है इसी के कारण हम तो ऐसा पुकार सकते हैं ऐसा हम बोल सकते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए और आगे बढ़ेंगे तेरा राज्य आया वो भी हम देखा कि राज्य का कार्य में हम बोलने समय पर क्या है वो राज्य राज्य का कार्य तो अनेक है और उसी में क्या होता तो है ये क्या है कि परमेश्वर हम के लिए हमको ढूंढ कर आया था और हम भी वो स्वीकार कर कर ऐसा रीति में हमको दिखाता है कि परमेश्वर अच्छे मछली और बुरे मछली सब मिलकर रहने समय पर बाद में वो अनंत जीवन वो दंड का समय में भी उसी को दूर अलग रखता है और अनेक कार्य भी हम देखा कि परमेश्वर राज्य तो सिर्फ खाना और पीना का बात नहीं है ये हम तो परमेश्वर में रहने के लिए और बाहर जाकर दूसरे लोगों को भी हम पकड़ना है आ, आगे बोल लिया वो तो हम भी सिखाया कि परमेश्वर ने उसी का दास के द्वारा की इच्छा क्या का इच्छा का मतलब क्या है कि स्तुति करना है परमेश्वर को स्वर्ग में क्या होता है हम तो देखा कि स्वर्ग में लोग तो खाने पीने और वहां वहां घूमने नहीं रहता है नहीं रहता ना स्वर्ग में परमेश्वर को हर समय तो हमेशा वो आराधना कर कर रहेगा स्तुति कर कर रहेगा इसी के कारण हम भी ऐसा ही करना हम करने के और, और भी क्या करना बाहर जाकर दूसरे लोगों को बुलाकर आना क्योंकि वो भी परमेश्वर को स्तुति करेगा आज, आज हम ये देख सकते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे आज का वचन यही है कि हमारे दिन भर का रोटी आज हमें दे दिन भर का रोटी वो मतलब क्या है देखो, दिन भर का रोटी सिर्फ नहीं सब्जी भी नहीं है इटली डोसा भी वही भी नहीं दिन भर का रोटी ये क्या है कि गार्लिक नान है है ना? <laughs> नहीं, सब मिलकर दिन भर का रोटी तो क्या है खाना पीना और पहनना वो सब है जीवन हमारे जीवन जीवित होने के लिए जो कुछ खारी चाहिए वो है दिन भर का रोटी सो ऐसा हम बोलने समय पर हे प्रभु हमारे दिन भर का रोटी आज हमें दे इसी का कारण क्या है उसी का मतलब क्या है कि आज हमको जीवन रहने के लिए इस संसार में जीवन रहने के लिए शरीर को ऐसा अच्छे से रहने के लिए सारे आशीर्वाद हमको देना है ये सिर्फ रोटी का मतलब वही नहीं है सारे सब मिलकर हमारे जीवन को इस संसार में रखने के लिए जीवित से रखने के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद हमको जरूर चाहिए ऐसा परमेश्वर हमको सिखाया है पहले तो हम देखा कि सारे बात परमेश्वर का महिमा करने के लिए सारे बात तो पहले पर है परमेश्वर का महिमा करने के लिए और उसी के बाद हम देखा कि परमेश्वर स्तुति कर कर और आराधना कर को पवित्र माना जाए हम तो बोला है और परमेश्वर राज्य का बारे में बोला गया है और उसी के बाद उसी का इच्छा भी ये सारे सब पर हमारा ऊपर है क्या है ऐसा हमारा ऊपर है इस हम तो आप तो सोच सकते हैं कि क्या जीवन के लिए क्या नहीं चाहिए क्या क्या जीवन के हम तो पूछ नहीं पूछना नहीं क्या जीवन के लिए हम तो कुछ नहीं मांगना क्या क्या यहाँ लिखा है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे सो यही है प्रार्थना ऐसा परमेश्वर हमको सिखाया है कि हम ऐसा प्रार्थना कर लेना हमारा दिन भर का रोटी लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं हम तो परमेश्वर से मांगना है परमेश्वर से देखना है हमारा दिन भर का रोटी लेकिन हमारा विचार और हमारे कार्य तो अलग रूप में चलती है हमारा सब कार्य दिन भर का रोटी के लिए हमारा चिंता इतना है कि हम अनेक कार्य ढूंढते हैं करते हैं लेकिन परमेश्वर तो हमको यहाँ सिखा है कि हमारे दिन भर का रोटी आज हमें दी हम परमेश्वर से पूछना है और मांगना है अच्छा ये इसी का अब तो मत अब तो मतलब देखा कि दिन भर का रोटी क्या है और उसी के बाद यहाँ परमेश्वर ने सिखाया है कि हम उसी से मांगना है और यहाँ सर पर यहाँ मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे परमेश्वर से कुछ कार्य ऐसा है क्या उसी से ना ही हो सकता वो नहीं कर सकता ऐसा कार्य है क्या जो से बोलता ना है क्या नहीं सब कुछ कार्य कर सकते हैं ना सब कुछ कार्य कर सकते हैं ना हम तो हम सब ये विश्वास कर रहे परमेश्वर से सारे कार्य कर सकते मुझसे नहीं कर सकते माइकल से, से, से भी नहीं कर सकते आपसे भी नहीं कर सकते लेकिन परमेश्वर से सारे सब कुछ कार्य कर सकते हैं इसी के कारण वो सर्वशक्तिमान है उसे ताकत वाला है और ऐसा पवित्र हमारे पिता वो बोलने समय पर भी हम डिक्लेयर कर गया कि प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है और ये दिन भर का रोटी आसान का कार्य है वचन में लिखा है दिन भर का रोटी हमारा जीवन के लिए जो कुछ चाहे वो तो परमेश्वर के लिए आसान कार्य है हम तो ऐसा आसान रह कर हम चुपचाप नहीं बैठना हम परमेश्वर से मांगना परमेश्वर पूछना है ऐसा परमेश्वर हमको सिखाया लेकिन ये तो आसान का कार्य है और हम भी मांग रहे हो हम भी पूछ रहे हो लेकिन फिर भी क्यों इतना कठिन होता है आप तो बोल सकते हैं भाई आप तो बोल रहे हैं कि ये तो आसान का कार्य है परमेश्वर सारे सब कुछ कार्य कर सकते कुछ कुछ दिन के पहले एक बहन से मैं बात कर रहा था उन्होंने कहा कि मैं इतना ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ परमेश्वर से इतना ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ सिर्फ खाने के लिए और रहने के लिए घर खाने पीने के लिए सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ मैं तो इतना बंगला इधर भवन नहीं पूछ रहा हूँ और ऐसा बड़े बड़े कार भी नहीं पूछ रहा हूँ परमेश्वर सिर्फ खाने के लिए पीने के लिए और रहने के लिए कर रही इसलिए ऐसा ही विनती मैं कर रहा हूँ बाय मैं तो बोल तो सही वो तो सही हम भी कर लेना वो सब परमेश्वर से आता है फिर भी ये क्यों हमको इतना कठिन होता है यहां कुछ लोग ऐसा बोल सकते क्या ये ना इन्हें ये, ये आसान से आ सकता है हमारे जीवन में हम तो देखा कि इतना कठिन से मुश्किल से कामों कर सकते किसी को अनेक कारण है क्यों कठिन होता है तीन कार्य परमेश्वर ने मुझे दिखाया और मैं ये बांधना चाहता हूं आप भी मेरे साथ हृदय खोल कर ध्यान से ये सुनना और ये सुनने के बाद मैं ये विश्वास करता हूं हमारा जीवन को परमेश्वर और एक ऊंचा स्थल में रखने के लिए प्रभु आशीर्वाद करेगा हाले लुया अच्छा हम पढ़ेंगे मती पुस्तक छ अध्याय चौबीस वचन को यहां तो परमेश्वर ने उसी का प्रार्थना कैसा करने के लिए सिखाता है और उसी के बाद वो भी बोलता है कि आप तो दो व्यक्तियों का दो चीजों को आप सेवा कर नहीं सकते वो क्या है कि मनुष्य को यानी वो धन को और परमेश्वर के दोनों को मिलकर आप सेवा नहीं कर सकते उसी का मतलब क्या है दोनों के पीछे आप नहीं चल सकते ये ध्यान में रख लेना आप धन के पीछे नहीं चल सकते और परमेश्वर के पीछे भी नहीं चल सकते सिर्फ एक ही चूज कर लेना है दो ऑप्शन से एक ही चूज कर लेना वो क्या है कि आप तो ऐसा निर्णय करना कि परमेश्वर के पीछे चलना है नहीं तो धन के पीछे चलना है धन के पीछे लोगों इतना लोगों तो चल रहा है आप देख सकते हैं संसार में जीवन में इतना लोग धनवान है अनेक धनवान है वो परमेश्वर के अंदर नहीं है फिर भी इतना अच्छा जीवन जीता है इतना करोड़ों धन भी रखा है पैसा रखा है घर भी रखा है लेकिन वो तो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता इसी कारण के लिए परमेश्वर बोलता है कि दोनों को क्या नहीं कर सकते हम सेवा नहीं कर सकते और आगे बढ़ेंगे इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हम्म कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना कर अपने प्राण के लिए चिंता ना कर कि हम क्या खाएंगे आ, और क्या पिएंगे और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे अच्छा यहाँ हम रोकेंगे यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर बोलता है पहले हम तो मांगना है परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है हमारे रोटी को हर दिन हमको देना है लेकिन परमेश्वर आगे प्रभु यीशु मसीह उसी का मुंह से बोलता है कि हम तो चिंता मत कर लेना खाने के लिए और पीने के लिए और पहनने के लिए ये तीन तो आवश्यकता का कार्य है लेकिन परमेश्वर तो बोल रहे चिंता मत करो ये समझ लेना हम परमेश्वर नहीं बोल रहे नहीं मांगना नहीं विनती करना नहीं प्रार्थना करना नहीं परमेश्वर कर रहा है कि प्रार्थना करो विनती करो लेकिन चिंता मत करो ये तो आसान का बात है लेकिन फॉलो करने में बहुत मुश्किल होता है हर दिन आप कर लेना और मैं भी कर लेना कि प्रार्थना करो चिंता मत करो प्रार्थना करो चिंता मत करो और ऐसा व्यक्ति एक सेंटेंस है ऐसा बोलता है कि प्रार्थना करने लोग प्रार्थना करने वाले लोग ना चिंता ना करेगा चिंता करने वाले लोग प्रार्थना नहीं करेगा अब किस लाइन पे आप है पहले लाइन या दूसरी लाइन प्रार्थना करने वाले लोग चिंता नहीं करेगा वो प्रार्थना करने के बाद वो क्या करेगा वो परमेश्वर करेगा क्या नहीं वो नहीं वो चिंता नहीं करेगा उसी को विश्वास इतना अधिक है उसी के अंदर इसी के कारण वो चिंता नहीं करेगा उसी का बारे में वो नहीं सोचेगा लेकिन चिंता करने वाला लोगों को आप देखा दोनों अभी बार मैं कर सकता हूँ खाना है पीना है वहाँ लाइफ में सेटल होना है शादी होना है ये भी होना है वो भी होना है सिर्फ चिंता ही होता है प्रार्थना नहीं करेगा वो प्रार्थना के लिए बैठेगा लेकिन अनेक विचार उसके अंदर आएगा ऐसा प्लान पैसे कर लेना किस जगह पर मैं चलना क्या मैं खरीदना किस काम को मैं अप्लाई कर लेना क्या मैं पढ़ना क्या मैं जाना कहाँ रहना क्या खाना क्या पीना और क्या पहनना ऐसा चिंता कर कर, कर प्रार्थना नहीं करेगा इसीलिए आप ध्यान में रख लेना कि प्रार्थना करने वाले लोग चिंता ना करेगा चिंता करने वाले लोग प्रार्थना नहीं करेगा इस ये तो परमेश्वर का वचन है मेरा नहीं आप जाकर पढ़ लेना मती पुस्तक में छे अध्याय में वहां लिखा है और <laughs> लेकिन फिर भी फिर भी हम तो ऐसा मुश्किलों रास्ता में चलते हैं क्यों ये सब कठिन होता है क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे और वचन में थर्टी थर्टी पढ़ेंगे हम तीस को इसलिए जब परमेश्वर में की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है तो वह अल्प विश्वासियों तुमको वह क्यों करना पहनाएगा अच्छा यहाँ तो परमेश्वर एक एग्जाम्पल देता है देखो पक्षियों को देखो और मैदान में रहने वाले सब कार्य को देखो वो कुछ काम नहीं करते हैं कुछ चिंता भी नहीं करते फिर भी परमेश्वर उसी का सारे सब देख लेता है उसी के बाद वो है, अल्प विश्वासी अल्पविश्वासी मैं ये जानता हूँ कि पहला हमको रोकने वाला चीज ये है कि हमारा अल्पविश्वास अल्पविश्वास आप सब लोग जानते हैं लैक ऑफ फेथ इंग्लिश में बोलते हैं अल्पविश्वासी है। परमेश्वर आशीर्वाद करने के लिए तैयार है आप भी पूछ रहे हैं लेकिन ये चिंता के कारण आप तो अल्पविश्वासी बन गए परमेश्वर के अंदर लोग नहीं रहते हैं, वो अल्पविश्वासी है प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं रहते है वो बाहर रहते हैं वो अल्पविश्वासी है आप जान लो और मैं भी जानना कि मैं किस जगह पर हूँ मैं अल्पविश्वास के स्थल पर रहता हूँ क्या क्योंकि परमेश्वर के अंदर रहती हूँ क्या प्रभु यीशु मसीह के अंदर अगर मैं परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर रहना तो मैं अल्पविश्वासी नहीं बनेगा सो इसी के कारण हर समय आप हर दिन आपका जीवन में ऐसा कार्य होने समय पर ये आप जान लेना अगर चिंता करो तो आप मेरे पास तो विश्वास नहीं है विश्वास तो कम हो गया है मैं तो अल्पविश्वासी बन रहा हूं अल्पविश्वासी कौन रहता है अन्य जाति उसी का मतलब क्या है प्रभु यीशु मसीह का अंदर नहीं रहता है वो बाहर रहता है पहला कार्य हमारा अल्पविश्वास के कारण हमारा रोटी नहीं आता है ऑर्डर किया लेकिन नहीं आया ये तो पहला कार्य आप ध्यान में रख लेना और 31 भी हम पढ़ेंगे 31 32 इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या, क्या पिएंगे और 32 भी पढ़ेंगे क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं हां इन सब वस्तुओं को वो खोज में रहते हैं क्योंकि वो तो परमेश्वर को नहीं जानते क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है स्वर्गीय पिता जानता है जो कुछ आपको चाहिए खाने के लिए पीने के लिए वो सब जानते हैं अगर आप अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बाहर रहा तो आज मैं ये विनती करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के अंदर आने के लिए कान कौन का जरा सुनिए यहां सुनिए अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बाहर रहा तो मैं ये विनती करना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर आने के लिए क्योंकि स्वर्गीय पिता जानते हैं आपको क्या चाहिए और अगर आप परमेश्वर के अंदर रहा तो आप अल्पविश्वासी ना रहेंगे और इसी के कारण क्या होता है कि दिन भर का रोटी आपको आशीर्वाद से रहता है और आगे हम पढ़ेंगे कि जूट्रॉनमी व्यवस्था विवरण विवरण जूट्रॉनमी चैप्टर एट वस्त दो और तीन यहां ये पढ़ने के पहले मैं एक कार्य बोलना चाहता हूं यहां हम देख सकते हैं और दूसरा कार्य को इसराइल लोगों ने इसराइल लोगों ने इजिप्ट से बाहर लेकर आया परमेश्वर ने उसी के कारण क्या हुआ उस समय पर उन्होंने आने समय पर सब वो कंप्लेन करने के लिए चुका शिकायत किया शिकायत को कंप्लेन किया और मरमरिंग किया वो तो कंप्लेन सेम है और वो कठोर हृदय से रहा था हर समय तो परमेश्वर बाहर लेकर आया एक अच्छे स्थल को और बाहर लेकर आने समय पर उन्होंने कंप्लेन किया कुछ ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं ये कम है ये ज़्यादा है ऐसा कर 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 उसी में जीवन रहता और एक अच्छे स्थल के आने समय पर मूसा ने मोजस ने वो क्या किया कि उसी को और एक बार ध्यान करने के लिए ये वचन को वहां बोलता है हम पढ़ेंगे दो तीन ओके और स्मरण रख रखी तेरा स्मरण रखी क्या परमेश्वर तेरा परमेश्वर यहोवा उन चालीस वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि मैं तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये तेरी परीक्षा करके ये जान ले ये जान ले, ले कि तेरे मन में क्या क्या तेरे है तेरे मन में क्या है और क्या तू तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा पालन करेंगे हां वे नहीं वे नहीं देखो वहां हम देख सकते हैं परमिशन आशीर्वाद किया लेकिन और वहां लिखा है कि वहां नव वचन में उस देश में अन्न अन्न की महंगी ना होगी और ना हम के तुझे किसी पदार्थ की कमी होगी।, होगी यहां खाने पीने की कहाँ मुश्किल होता है क्योंकि उसी का हृदय में क्या है टेस्ट करने के लिए उसी का हृदय में क्या है टेस्ट करने के लिए परमेश्वर आशीर्वाद नहीं किया आसान से नहीं किया कठिन से हुआ सारे सब कार्य क्यों परमेश्वर ऐसा किया क्योंकि उसी का हृदय के अंदर क्या है क्यों हृदय का अंदर क्या है ऐसा परमेश्वर टेस्ट कर लेना क्योंकि वो लोगों को जानने के लिए हमको जानने के लिए हम हर एक समय हमारे जीवन में हमारा दिन भर का रोटी मुश्किल से आया तो हमारा दिन भर का आशीर्वाद हमारे जीवन करने के लिए सारे सब आशीर्वाद मुश्किल से रहा तो ये हम जान लेना कि पहला तो हमारा विश्वास वो वो ठीक से कर लेना दूसरा तो क्या फिर भी हो ना तो क्या होता है कि हमारा हृदय में ऐसा हम तो शिकायत किया है परमेश्वर को कंप्लेन किया है और हमारे जीवन में भी ऐसा कार्य हम तो कठिन से कठोर से हम रह सकते हमारा हृदय भी रह सकते इसी के कारण हमारे अंदर क्या है वो दिखाने के लिए परमेश्वर ने ऐसे अनुमति देता है ऐसे स्थिति को परिस्थिति को अनुमति देता है आपके आसपास क्योंकि उसी के द्वारा क्या क्या हो सकता है अगर एक एग्जाम्पल देना तो मैं एक कार्य आपसे पूछ रहा हूँ ऐसा कर लेना ऐसा कार्य कर लेना आप तो अच्छे से करते हैं कोई बात नहीं मैं तो आनंदित हूँ आप भी आनंदित हूँ अगर मैं आप बोलते हो ऐसा रख लेना नहीं तो आपने ठीक आप तो से नहीं किया और मेरे अंदर क्या है वो बाहर आएगा गुस्सा आएगा गुस्सा से अलग बात भी आ सकता है ये सब क्यों अनुमति देता है परमेश्वर की हमारे अंदर क्या है वो बाहर लेकर आने के लिए हम तो सोचते हैं कि हम तो पवित्र मान बन गया लेकिन हमारा अंदर तो क्या है परमेश्वर जानते हैं परमेश्वर वचन इसी के कारण ऐसा तलवार है इतना शार्प है सब फाड़ कर वो दिखाता है अंदर क्या है और सब खड़ी करने के लिए इसी के कारण हमारा अंदर क्या है वो सब दिखाने के लिए परमेश्वर ऐसा अनुमति देता है है ना अच्छा हम आगे पढ़ेंगे और उसी के साथ हम वहां आ, मती पुस्तक एक और आ, मती पुस्तक हम पढ़ेंगे चार अध्याय मती पुस्तक चार अध्याय एक दो तीन चार वो पढ़ेंगे हम तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया हाँ ताकि इल्बिब से इसकी परीक्षा हो परीक्षा हो वह चालीस दिन और चालीस रात रहा अंत में उसे भूख लगी अंत में भूख लगी यहाँ अब ये सब घटना आप जानते हैं ना प्रभु यीशु मसीह ने फोर्टी कर, कर प्रार्थना कर रहा था वो बहुत कमजोर था बहुत वीक रहा था और उस समय शैतान उसी को लेकर वहां एक चैलेंज करता है और ये स्थिति को परमेश्वर अनुमति किया और ये सब स्थिति को परमेश्वर अनुमति किया क्यों तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अगर ये चैलेंज रखता है ऐसा चैलेंज रखता है ऐसा प्रभु ऋषि की मसीह आकर वो बोलते अगर आप परमेश्वर का पुत्र रहा तो ये कार्य कर लेना हमको ऐसा लोगों ऐसा आता है ऐसा चैलेंज करने तो हम भी मई करूंगा हम चलते हैं लेकिन पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हम देखेंगे उसने उत्तर दिया, उत्तर दिया कि लिखा है लिखा है क्या कि मनुष्य केवल रोटी मनुष्य केवल रोटी से नहीं रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से क्यों परंतु किस प्रतु वचन से जो परमेश्वर के पर, मुख से निकलता है। परमेश्वर का मुंह से निकलने वाले वचन से वो जीना है जीवित मन... रहेगा।, रहेगा वो सिर्फ क्या रोटी से नहीं ये वचन डूट्रॉनिमी वहां इसराइल लोगों को प्रभु परमेश्वर ने दिखाया आपका मन में क्या है वो दिखाने के लिए क्योंकि उस ये सेम वचन वहां लिखा है कि मनुष्य तो रोटी से नहीं जीवन सिर्फ रोटी से नहीं हर एक वचन परमेश्वर मुंह से आता है उसी के द्वारा वो जीवित रहेगा है ना पहला तो हम देखा अल्पविश्वास अगर आपका जीवन में ऐसा अल्पविश्वास रहा तो अल्पविश्वास रहा तो वो दूर हटना और प्रभु यीशु मसीह के अंदर आना दूसरा कार्य तो हम देखा हमारे अंदर क्या है वो दिखाने के लिए परमेश्वर ऐसा कार्य को अनुमति देता है और वहां हम तो कठोर नहीं रहना हम तो वचन सुनकर ऐसे ही नहीं चलना कठोर नहीं रहना कठिन हृदय से नहीं रहना वचन वचन को सुनने के बाद हम स्वीकार करने के बाद हम अनुमति देना वचन ऐसा अद्भुत कार्य करने के लिए और तीसरा दैनियल पुस्तक में हम देख सकते हैं तीन अध्याय दैनियल पुस्तक तीन अध्याय और पाँच मिनट में हम बंद करेंगे और उसी के बाद प्रार्थना कर कर पुस्तक तीन अध्याय मैं ये स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ दैनल पुस्तक तीन अध्याय में क्या लिखा है कि नेबुकत नेजर राजा रहा था आप घर में जाकर ये वचन को पढ़ लेना ये बहुत अच्छा गठन है आपको अभी किस दिन में आप प्रार्थना कम रहा तो बाइबल नहीं पढ़ा रहा तो ये वचन का आप जाकर पढ़ना ये आपको उत्साहित करेगा क्योंकि नेबुकत नेजर जैसे एक राजा रहा था उन्होंने बहुत कठोर के एक नियम को रखा एक रूल्स एक वह, वहाँ उद्देश्य में ऐसा कार्य किया है कि हर व्यक्तियों एक मूर्तियों बनाया उन्होंने एक मूर्ति बनाकर उस मूर्ति मूर्ति को सब लोग सलाम करना है दंड वक्त करना है वहाँ कर लेना जो कुछ नहीं करेगा वो आग की बट्टी के अंदर फेंक दिया जाएगा और बहुत मुश्किल सब लोग जानते हैं और दैनियल के बारे में आप जानते हैं जानते हैं ना yes. कि, कितना लोग जानते हैं दैनियल उसी का भी तीन दोस्त है नाम क्या है चादरक तो मशेक अबेदनगो तीन दोस्त रहा था और वो तीन दोस्त वहाँ क्या हुआ था ऐसा ऐसा वहाँ रूल्स आया था रेगुलेशन आया था उस देश में वो राजा ऐसा किया सब लोग सब लोग वचन लिखा है कि हर समय ऐसा आने समय पर क्या होता है मैं पढ़े हम पढ़ेंगे आठ आठ वचन को तीन आठ उस समय उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई आ, चुगली खाई कंप्लेन किया बुक्सर राजा से कहने लगे आ, हे राजा तू चीर चिरंजीवी हो रहे हे राजा तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो तूने तो ये आज्ञा दी, दी है कि जो मनुष्य नरसिंग सार सारे इंस्ट्रूमेंट लगाने समय पर क्या करना प्रकार के बाजों का शब्द सुने सुने के? गिर कर उस सोने की मूरत गिर, गिर कर सोने की मूर्ति को सलाम करना है दंडवत करना है ऐसा रखा गिर

तुझे उत्तर देने का हमें कुछ यहाँ हम रोकेंगे शादरा में शेख अभिंदर को तीन लोग आता है और निबुकर बोलता है कि क्या किया आप सलाम नहीं किया क्या क्या नहीं उन्होंने बोलता है राजा हम कुछ भी नहीं बात करना सकते हम कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या बोलता है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासन करते हैं वह हमको उस हुए तो बट्टी के, के आग में की बचाने की शक्ति रखता है वरना है राजा वह हमें तेरे हाथ में भी छुड़ा सकते, सकते है, है। परंतु यदि नहीं यह इम्पोर्टेंट है परंतु यदि नहीं यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो ये राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को करेंगे। दंडवत भी नहीं करेंगे ये ऐसा रखता है देखो उसी का ये तो पहले तो हम देखा विश्वास कारण रोटी नहीं का आशीर्वाद नहीं आता है दो दूसरा तो हमारा हृदय ऐसा है दिखाने के लिए परमेश्वर ऐसा स्थिति को छोड़ता है तीसरा आप तो विश्वास में बढ़कर रह सकते हैं आप तो आपका हृदय तो इतना अच्छा भी रह सकते परमेश्वर के लिए आप तो स्थिर रह सकते हैं परमेश्वर के लिए अनेक कार्य भी कर सकते हैं परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं दूसरे लोगों के गवाही बांट सकते हैं और सुसमाचार को दूसरे भी बोल सकते हैं ऐसा होने समय पर भी एक आज्ञा आएगा एक स्थिति भी आपका जीवन में आ सकता है ऐसा मुश्किलों का स्थिति भी आपका जीवन आ सकता है उस समय में भी आप चादरक मेक और अभ्यन्दन को जय से स्थिर रहकर आप तो बोलना है कि उपासना नहीं करेंगे क्योंकि हम तो हमारा परमेश्वर का सेवा ही कर सकते हैं हम दूसरे खारी भी नहीं कर सकते हैं ऐसा अगर आप बोला तो क्या होता है बट्टी आग के बट्टी में डालेगा <laughs> मैं तो स्टोरी पढ़ने के समय तो वहां देखा के परमिशन आकर वहां बचेगा एंजिल को देवदूत को आकर वहां झगड़ करेगा जैसे वो कर लेकिन वो बट्टी में डल गया लेकिन इंटरेस्टिंग क्या क्या है कि ये क्यों मैं ये बोलता हूं कि परमेश्वर इस संसार में लोगों को बचाने वाले ताकत वाले है इसी के कारण हम तो ऐसा प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिन भर का रोटी को देने के लिए दिन भर का रोटी को तो हमको जीवन से रखने के लिए यहाँ जीवन को सर्वनाश करने के लिए ऐसा राजा है फिर भी आग के बट्टी के अंदर डालने समय के बाद भी ऐसा हिम्मत से वो बोलता है कि हम भी ऐसा कर लेना हमको ऐसा थोड़ी मुश्किल ऐसा आया तो काम में ऐसे थोड़ी मुश्किल आता है तो, हमारा खाने पीने में ऐसा मुश्किल आता तो सलाम कर देते हैं सलाम करके समर्पण कर कुछ नहीं करना मुझे भाई, मैं नहीं जानता हूँ कौन है ये उसी का वचन मेरे हृदय में नहीं है <laughs> लेकिन ये शादरक में गर्मता को ऐसा करता है कि बात करने का समय नहीं मुझे अंदर डाल लेना नो टेंशन डाल लो अंदर देख सकता हूँ क्या होता है क्या होता है अगर प्रभु परमेश्वर हमको बचने वाला तो रख सकता है नहीं तो हम मरेंगे इस जीता हो रम मरते हो प्रभु यीशु मसीह के ऐसा विश्वास मैं प्रार्थना करता हूँ हम सब लोगों के आने के लिए अगर आप यहाँ रहा तो दूसरे स्थल पर रहने समय पर भी किस जगह पर आप काम करते हैं परमेश्वर के लिए स्थिर रहना है आप परमेश्वर के अंदर आप तहरे वक्त रहने समय पर आसान कार्य होता है वहां क्या होता है तब नबुकत ने, ने राजा झुंझला उठा ट्वेंटी फोर तब राजा अचंबित हुआ अचंबित हुआ बहुत आश्चर्य हुआ शौक हुआ क्यों हुआ और घबरा कर घबरा कर देखो ये देख लेना आग का बटी है आग का बटी है इतना इतना ऊपर सात गुण तक अधिक किया है आग का बटी सात गुण तक अधिक किया कौन डरना है कौन डरना है? है राजा डरना नहीं तो शादरक मिश्रक अभिनगर डरना क्या कौन डरना है बाय राइट को डरना है लेकिन यहाँ क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रहने समय पर आप नहीं डरेंगे, डरेंगे।, डरेंगे। कार्य है।, है? तो का है आगे पढ़ेंगे और अपने मंत्रियों से पूछने लगे मंत्रियों से पूछ रहे मंत्रियों क्या हमने उस आग के बीच कंफ्यूज हो गया आग के अंदर तीन लोग तो डालाना है यार हाँ तीन बंदे को दला ना और उन्होंने राजा को उत्तर दिया हाँ राजा हाँ राजा दला मैं भी जानता हूँ सच बात ही है <laughs> लेकिन फिर उसने कहा हाँ। अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच चार पुरुष टहल रहे हैं चार पुरुष है तीन तो दला लेकिन चार तो है तीन तो दला चार तो है तीन तो दला चार तो है मल्टीप्लाई होगा ब्लेसिंग्स हुआ क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर रहा तो चिंता नहीं करते तो सारे सर विश्वास को दूर रखा तो आपका हृदय बहुत रहने से भी तो। फिर भी आपके आसपास ऐसा मुश्किलों की स्थिति आता है ऐसा गड़बड़ स्थिति आता है ऐसा कठिन का स्थिति आता है जैसे सौ गुण तक अधिक आग रहने समय पर भी कौन रहेगा चौथे पुरुष रहेगा चौथे पुरुष रहेगा ये जान लो ये जान लो अच्छे समय में चौथे पुरुष नहीं रहा था मुश्किलों स्थिति में भी चौथी पुरुष रहा था इसी कारण के धन्यवाद करना धन्यवाद करना मुश्किलों स्थिति आता क्या धन्यवाद कर लो चिंता नहीं कर लेना धन्यवाद कर ले धन्यवाद क्योंकि आपके अंदर आपके बीच में कौन रहता है वो चौथे पुरुष रहेगा वो चौथे पुरुष कैसा रहा था आप पढ़ेंगे चौथे पुरुष कैसा रहा फिर नमुक्सर उस डरते हुए बट्टे की दार पर पास जाकर कहने लगा ही सदक मेशन और नहीं नहीं उसके उसी के पहले फिर उसने कहा अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं टहल रहे है। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची कुछ भी हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वर रूप ईश्वर उत्तर के, के है बहुत बढ़िया चौथे पुरुष आसान नहीं है चौथे पुरुष ऐसा मही जैसे नहीं है माइकल जैसा नहीं है सोनिया सोनिया शाली जैसे नहीं है ये अलग है क्योंकि ये ईश्वर के पुत्र के समान है ईश्वर के पुत्र के भाई बहनों मैं आपसे आप उत्साह करना चाहता हूं प्रभु सर्वशक्तिमान है ताकत वाला परमेश्वर है सारे सब कुछ कार्य करने वाला है जो कुछ उससे कर सकता है सब कर सकता है नहीं है वैसा कार्य वो नहीं कर सकता है रोटी को क्या है इतना आसान का कर फिर भी तीन कार्य से हम देखा कि अल्पविश्वास के करके दूर रख लो और आपका हृदय तो कठिन रहा तो वो भी दूर रख लो फिर भी फिर भी तो भी आग के अंदर आप रहने समय पर मुश्किलों की स्थिति के अंदर आप रहने समय पर ये आप जानना फिर भी आप धन्यवाद कर आप नहीं डरना आपका विरोधी डरना है शैतान डरना है परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान है ताकतवाल करने वाला है और वहां लिखा है चौदह पुरुष फोर्थ पर्सन कौन है वो फोर्थ पर्सन वो परमेश्वर का ईश्वर का पुत्र के समान रहा था हम हम ऊपर खड़े होकर हालेलुया धन्यवाद करेंगे दोनों हाथ को ऊपर उठाकर हालेलुया हालेलुया हाले लुया हो रे हंदरुलो हाले लुया हालेलुया 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 चौथे पुरुष चौथे पुरुष शादराबेन्द्र के पास रहा था आपको जीवन को बचाने के वो प्रभु को इतना आसान कार्य नहीं वो कोई बात नहीं लेकिन तीसरा कार्य परमेश्वर यहां दिखा रहा है उसी का महिमा के लिए उसी का महिमा के लिए क्योंकि आपका जीवन आपका मुश्किलों आपका कठिनों की स्थिति के बीच में परमेश्वर को आप देख सकते हैं परमेश्वर के दूसरों लोग देख सकते हैं